दोस्तों, हमें एस्मा अटैक कैसे आता है और एस्मा अटैक आने पर तुरंत हमें क्या करना चाहिए? आखिर उस वक्त मरीज अपने मुंह में जो डालते हैं उसे क्या कहते हैं? एस्मा एक लाइलाज बीमारी है जो एक बार होने पर जिंदगी भर रहती है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन कुछ दवाओं और एहतियात के जरिए हम कुछ हद तक इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं, लेकिन इससे पूरी तरह छुटकारा पाना थोड़ा मुश्किल काम है। इस बीमारी की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में तकरीबन 33 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और हर साल तकरीबन 2.5 लाख लोगों की मौत की वजह ये एस्मा ही है। इस बीमारी में व्यक्ति को ठीक से सांस लेने में तकलीफ होती है, जिससे उसे दौरे तक पड़ सकते हैं और ऐसी स्थिति में उसका 2 कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। आज के वीडियो में हम एस्मा से जुड़ी कई अहम चीजों पर बात करेंगे कि आखिर इस बीमारी के होने की वजह क्या है और इस बीमारी के वो कौन से लक्षण हैं जिन्हें समझकर इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है और आखिर में इस बीमारी पर काबू कैसे पाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि देश में पिछले कुछ सालों से एस्मा के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 3.43 करोड़ लोग एस्मा से पीड़ित है और दुनिया भर में एस्मा से जितने भी लोगों की मृत्यु होती है उनमें भारत की 42% हिस्सेदारी है। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में एस्मा की संख्या कितनी आम और गंभीर होती जा रही है। आइए अब बात करते हैं आखिर ये एस्मा है क्या बीमारी। दरअसल हम जब सांस लेते हैं तो प्रति एक सांस के साथ हवा हमारी नाक और मुंह से होते हुए हमारे गले, फिर श्वास नली और फिर हमारे फेफड़ों तक पहुँचती है। हमारे फेफड़ों में बहुत सारे वायु मार्ग होते हैं जो हवा से ऑक्सीजन को हमारे रक्त तक पहुंचाने में मदद करते हैं। एस्मा की शुरुआत तब होती है जब हमारे वायु मार्ग की परत पर सूजन आ जाती है और उनके आसपास की मांसपेशियां कस जाती है, जिससे वहां जाने वाली हवा की मात्रा कम हो जाती है। सूजन और सिकुड़न के चलते रोगी को सांस लेने में परेशानी, सांस लेते समय आवाज आना, सीने में जकड़न, खांसी जैसी समस्याएं होने लगती है। इस बीमारी में व्यक्ति को दौरे भी पड़ सकते हैं और इसका सबसे अच्छा इलाज है इनहेलर का इस्तेमाल, जिससे एस्मा के मरीजों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। इनहेलर ना होने की स्थिति में मरीज की जान भी जा सकती है। अगर इस बीमारी के लक्षणों की बात की जाए तो इसमें सांस फूलना, सांस में तकलीफ होना, सांस का उखड़ना, अत्यधिक खांसी आना, अत्यधिक थकान महसूस करना, कोहरे या धुएं से एलर्जी होना शामिल है। अब बात करते हैं एस्मा की वजह की। आखिर एस्मा किन वजहों से होता है? आज के समय में एस्मा का सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण। कारखानों, वाहनों से निकलने वाला धुआं एस्मा होने की सबसे बड़ी वजह है। इसी के साथ ही सर्दी, फ्लू, धूम्रपान, मौसम में बदलाव भी एस्मा होने की वजह है। कुछ लोगों में ये बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। कुछ ऐसी वजह भी है जो एस्मा को बढ़ाती है और वो वजह है धुआं, कोहरा, तेज तेज चलना, धूल और मिट्टी, मौसम का बदलना, सांस की नली में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन आदि। कई बार लक्षणों के आधार पर एस्मा की बीमारी का पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में डॉक्टर को जांच कराने की सलाह देते हैं। इन जांचों के जरिए हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि व्यक्ति को एस्मा है या नहीं। इन जांचों में कुछ मेडिकल और एलर्जिक टेस्ट शामिल होते हैं। कुछ चेस्ट एक्सरे की मदद से भी इसका पता लगाया जा सकता है। एस्मा के इलाज में जरूरी है कि एस्मा के लक्षणों या एस्मा अटैक से जल्द कैसे राहत पाई जाए और आगे इसे कैसे कंट्रोल में रखा जाए। इसके लिए मरीज को कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे अपने एस्मा के कारणों को समझें और उन चीजों से दूरी बनाए जिससे दिक्कतें बढ़ सकती है। सर्दी के मौसम में धुंध में जाने से बचें, धूल, मिट्टी और धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों से दूर रहें, अपने खान पान का खास ध्यान रखें। एस्मा के मरीजों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा वाली चीजों का सेवन कम से कम करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी और ठंडी प्रकृति वाले आहारों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अंडे, मछली, दूध, अल्कोहल और मांस जैसी चीजें एस्मा में हानिकारक होती है। एस्मा के मरीजों के लिए हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना सबसे लाभकारी होता है। विटामिन ए, सी और ई युक्त खाद्य पदार्थ एस्मा मरीजों के लिए फायदेमंद होते हैं। अगर आप एस्मा के मरीज हैं तो अपनी दवाइयाँ हमेशा अपने साथ रखें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाई लें और इसी के साथ ही समय समय पर अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहनी चाहिए।